बेसिल थर्डर, आज हम प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हॉर्मोन्स उनको रेगुलेट करते हैं उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। प्लांट ग्रोथ दो फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ बाहर के फैक्टर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाहर के फैक्टर्स होते हैं उसमें जनरली जलवायु, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उसमें एक तो प्लांट का अपना जेनेटिक मेकअप होता है, मतलब जो उसका जीनोटाइप कंपोजिशन है, कौन कौन से जीन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा प्लांट हार्मोन्स होते हैं। आप प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं, किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं इसको। आजकल हम उसको फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। स्टार्टिंग में 1904 में प्लांट हार्मोन टर्म जो यूज़ किया था वो फर्स्ट टाइम पिनकसन थीमेन ने यूज़ किया था और फाइटो हार्मोन्स टर्म उन्होंने दिया था। अब पिनकसन ही थीमेन ने इनको डिफाइन किया है 1948 में कि फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। फाइटो हार्मोन्स वो सब्सटेंसेस होते हैं या प्लांट जो हार्मोन होते हैं वो पदार्थ होते हैं जो कि प्लांट्स में बनते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं और जनरली जहाँ पर बनते हैं वहाँ उनका असर नहीं होता, वो किसी दूसरी जगह पर अपना असर डालते हैं। ठीक है, तो तीन चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अगर हम देखें प्लांट हार्मोन्स के होते हैं। पहली बात कि इनका जो सिंथेसिस होता है वो टिप्स में होता है, रूट टिप हो गया, शूट टिप हो गया, लीफ टिप हो गया, तो उनमें मिलेगा, उनमें सिंथेसिस होगा इनका। ठीक है, दूसरी बात ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तीसरी बात इनकी मात्रा जो है वो बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में बनते हैं और इनका जो यूटिलाइजेशन है, उनका जो यूज़ है वो भी बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और हमेशा जहाँ पर भी ये बनेंगे वहाँ से दूसरी जगह पर इनका प्रभाव होगा। तो इनको पांच ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इसमें से अगर कैटेगरी वाइज देखें तो एक कैटेगरी है जो कि ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स हैं, इसमें ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स आते हैं। और जो दूसरा कैटेगरी है जो कि ग्रोथ रिटार्डिंग, जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स या वृद्धि संदमक कहते हैं, वो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है। ठीक है, इथिलीन फ्रूट राइपनिंग में भी होता है, तो स्ट्रिक्टली हम इसको ग्रोथ इनहिबिटर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि राइपनिंग में भी ये काम में आता है। ऑक्सिन्स जो है वो पहले ग्रोथ हार्मोन है जो कि ढूंढे गए थे या उनको सर्च किया गया था, उनके बारे में खोज की गई थी। इनका प्रोडक्शन रूट टिप और शूट टिप में होता है मुख्य रूप से, और ये ट्रांसफ़र होते हैं जहाँ पर भी सेल इलोंगेशन की ज़रूरत होती है, जैसे स्टेम का इलोंगेशन होना है या लीफ का एक्सपेंशन होना है, लीफ लैमिना का, पत्ती का जो पर्ण होता है, एक्सटेंडेड एरिया होता है वो, या फल की वृद्धि होनी होती है, तो वहाँ पर इन सब हॉर्मोन्स का ट्रांसफ़र होता है। जबकि बनते कहाँ पर है, रूट या शूट टिप के ऊपर। ठीक है, और कभी कभी लीफ टिप पर भी बनते हैं, ऐसे तो एम्ब्रियो में भी बनता है कभी कभी हार्मोन। ये जो नाम दिया गया है ऑक्सिन, ये कोल ने दिया था, इसका मतलब होता है टू ग्रो, मतलब बड़ा होना। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे इसके तो इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, नैप्थलिन एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये सब जो है ये ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जो कि ऑक्सिन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, खोज कैसे हुआ था, ऑक्सिन्स जो हैं सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1880 में इसकी खोज की थी। एक घास होती है, कैनरी ग्रास बोलते हैं, फेलरिस कैनरियंसिस। और अगर आप मोनोकॉट्स को देखेंगे, जैसे घास को आप देखें तो एक अगर आप उसकी पहली पत्ती को हटा देते हैं, छोटा सा टिप वाला एरिया आपको दिखता है, उसको हम बोलते हैं कोलिप्टाइल। तो उन्होंने हिंदी में बोला जाता है प्रांकुर चोर। इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने देखा कि अगर हम इसको एक तरफ से लाइट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल लाइट, तो उसमें कर्वेचर होता है। किस तरफ होगा, जिधर से लाइट आ रही है, तो जो सिग्नलिंग होता है वो टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट घूम जाता है, उस तरफ मुड़ जाता है। ये फोटोट्रॉपिज्म में भी आप पढ़ते हैं, बिकॉज लाइट का प्रभाव है ये। फिर उन्होंने देखा कि अगर इसकी टिप को हम रिमूव कर देते हैं और फिर हटा के अलग रख दिया, और नीचे के हिस्से को अगर हमने एक तरफ से लाइट दिया, तो वो कर्वेचर आपको नहीं दिखता है, वो घुमाव आपको नहीं दिखता है जो वक्रण होता है। तीसरा एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने और किया, उन्होंने क्या किया, जो टिप का पोर्शन था उसको उन्होंने
ढक दिया किसी पार्ट से, ठीक है, ताकि जो टिप है उसके ऊपर लाइट नहीं आए। और फिर उन्होंने एक तरफ से लाइट दिया तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं आता है या वक्र नहीं होता है। तो एक दिशीय प्रकाश देने पर कोलियोप्टाइल के ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है, टिप के ऊपर प्रकाश पड़ता है, तब उसमें वक्रण होता है, ये उन्होंने बताया। उसके बाद में बॉयसन जेंसन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने टिप को हटाया ऊपर से, उसके ऊपर जिलेटिन रखा दोनों के बीच में, टिप के बीच में और जो उसके नीचे का हिस्सा था उसके अंदर, और फिर उन्होंने उसको लाइट दिया तो उन्होंने देखा कि अभी भी वो जो वक्रण है या कर्वेचर है वो आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने सेकेंड उसमें क्या किया, माइका शीट होती है, अभ्रक की जो प्लेट होती है वो उन्होंने डाली, लेकिन किस तरफ डाला, जिधर से लाइट देते हैं उसके उलट साइड पे, जहाँ जिस तरफ अंधेरा होता है, ठीक है ना। लाइट जब आप डालेंगे तो एक तरफ तो इल्यूमिनेटेड पार्ट होगा, दूसरी साइड उसकी वहाँ पर थोड़ा रोशनी नहीं पड़ेगी, तो जिस हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती उधर उन्होंने माइका प्लेट डाला आधे हिस्से में और देखा कि क्या प्रभाव होता है। तो जब उस कोई भी कर्वेचर उनको नहीं मिला, दैट मीन्स कोई भी अगर सब्सटेंस का ट्रांसफ़र होता है या कुछ स्टिमुलस का ट्रांसफ़र होता है तो माइका शीट में से नहीं हो सकता, इसका कहने का मतलब ये था। तो ये इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसके बाद में कुछ और साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किए इससे रिलेटेड। पॉल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने जिलेटिन को हटा करके जिलेटिन की जगह पे कोको बटर रखा, माइका शीट रखी, प्लैटिनम शीट रखी, तो इन तीनों में उन्होंने देखा कि कोई भी कर्वेचर नहीं मिलता है। इसका मतलब उनको लगा कि जो सब्सटेंस है वो पहली चीज़ वाटर सोल्यूबल है, दूसरी चीज़ फैटी नहीं है, क्योंकि फैट सोल्यूबल होता है तो कोको बटर से निकल जाता, मिनरल टाइप का नहीं है क्योंकि अदरवाइज प्लैटिनम से उसका इम्पैक्ट कुछ आ सकता था, कर्वेचर आ सकता था। तो उससे ये सबसे प्रूव हुआ कि जो सब्सटेंस है वो वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इसके बाद में वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया 1926 में और 1928 में, और उन्होंने देखा कि अगर हम टिप रिमूव कर देते हैं और उसको अगार ब्लॉक के ऊपर रखें, अगर आप चाहते हैं जिलेटिन टाइप का सब्सटेंस होता है उसको आप पानी में घोल दीजिए और उसको ठंडा कीजिए, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में से थोड़े कम पानी में, और उसको ठंडा करें रूम टेम्परेचर पर, तो वो एक जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है, तो उसका ब्लॉक बना सकते हैं आप। तो उन्होंने टिप को रिमूव किया, उस अगर ब्लॉक के ऊपर रखा, उस अगर ब्लॉक के पीसेस निकाले और उस पीस को उन्होंने जो कोलियोप्टाइल को हटा करके जो नीचे वाला पोर्शन था बचा हुआ उसके ऊपर एसिमेट्रिकली रखा। एसिमेट्रिकली का मतलब आधा पार्ट ही उसके ऊपर वो अगर ब्लॉक आ रहा था और आधे पार्ट पर नहीं आ रहा था। तो जिस हिस्से पर उन्होंने रखा था अगर ब्लॉक को उसके उल्टी दिशा में कर्वेचर मिलता है, मतलब इट वॉज जो इफेक्ट था ये सिमिलर था, जैसे अगर आप यूनिलेटरल लाइट देते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होता है उसी तरह का इसका इम्पैक्ट इसने उन्होंने देखा, ठीक है। और इसके बाद में उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, टिप को हटाया, उसको अगर ब्लॉक को रख के बीच में अगर आप कुछ रख देते हैं, मेटल वेटल एलिमेंट रख देते हैं तो उससे उस वो जो मटीरियल है वो स्टिमुलस से उसका ट्रांसफ़र नहीं होता तो कर्वेचर नहीं मिलता है। देन अगेन एक और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, टिप को लॉन्गिट्यूडनली आधा बीच में से स्प्लिट कर दिया, पर पूरा नहीं काटा, थोड़ा सा ऊपर से पोर्शन हल्का सा जुड़ा हुआ था। अब उसको उन्होंने एक तरफ से लाइट दिया और उसके नीचे उन्होंने अगार रखा। अगार में जब हमने पहले देखा था तो अगार में स्टिमुलस वो जो मटीरियल होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उन्होंने अगार पीसेस रखे और बीच में से अगार ब्लॉक को अलग अलग कर दिया इस तरह से, ताकि अगर एक ब्लॉक है उससे दूसरे ब्लॉक में उसमें कोई सब्सटेंस अगर जाता है तो दूसरे साइड वाले ब्लॉक में उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सके। और उसमें उन्होंने फिर जो सब्सटेंस ट्रांसफ़र हुआ था उसका मेजरमेंट किया तो जो लाइटेड साइड थी वहाँ पर 27% ऑक्सीजन उनको मिला और जो डार्क वाला साइड था उनको वहाँ पर 57% ऑक्सीजन मिला। इस तरह से उन्होंने देखा कि लाइट साइड से डार्क साइड पर अगर ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो बराबर अमाउंट में नहीं होता, इसका मतलब इंडिकेशन ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो लाइटर साइड से डार्कर साइड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब ये है कि ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लगभग अगर आप देखेंगे वैसे तो ये जो हार्मोन है ऑक्सीजन से कभी करीब करीब सभी प्लांट पार्ट्स में मिलेंगे आपको, क्योंकि कुछ सिंथेसाइजिंग पार्ट्स हैं और कुछ वो हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं,
तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलेगी, जहाँ इनका सिंथेसिस होता है, फॉर एग्जाम्पल टिप्स के ऊपर, शूट टिप, वोलेटाइल टिप, बर्ड्स के अंदर, ग्रोइंग बर्ड्स के अंदर, लीफ टिप के अंदर, ग्रोइंग फ्रूट्स के अंदर, उनमें मिलेगा, ठीक है, वहाँ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन टिप्स पे, और फिर अगर जो एक्सपैंडिंग पार्ट है वहाँ पर यूज़ कर अमाउंट दिखेगा। वेंट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो ऑक्सिन्स होते हैं उनका पोलर ट्रांसमिशन होता है, मतलब ध्रुवीय स्थानांतरण होता है। शूट्स के अंदर ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है, मतलब शूट टिप से नीचे के पार्ट्स की तरफ, और रूट्स में ये नीचे से ऊपर, मतलब रूट टिप से उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से होता है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम गति भी होगी तभी भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के विरुद्ध, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध भी इनका ट्रांसफ़र होता है। जेकब्स ने 1962 में देखा कि मेच्योर टिश्यू, डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ में भी जो इनका ट्रांसफ़र होता है वो पोलर या नॉन पोलर दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन टिप से दूसरे पार्ट्स में हमेशा पोलर ट्रांसमिशन होगा। मूवमेंट जो है या तो फ्लोइंग टिश्यूज़ के थ्रू होती है, या फिर जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके आसपास में जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, मृदु ऊतक होता है, पेरिफेरल टिश्यू, उसके थ्रू होती है। और अगर आप देखेंगे तो मूवमेंट का जो रेट है, स्पीड है, वो डिफ्यूजन से लगभग 10 गुना होता है। दैट मीन्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसका ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। और सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध हो रहा है। तीसरी बात, अगर ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म को देखें आप और एटीपी सिंथेसिस को देखें, तो अगर इनकी रेट घटती है, ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म घट जाए या एटीपी प्रोडक्शन घट जाए, तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो भी घट जाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन ट्रांसमिशन के लिए एटीपी सिंथेसिस का होना ज़रूरी है, इसका मतलब उसके ट्रांसफ़र के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज़, इट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज़ नॉट पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लुंड ने बताया कि ऑक्सीजन का जो मूवमेंट होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पर होता है और उसी से रेगुलेट होता है, ठीक है। छाया वाला जो एरिया होता है, जो हमने देखा जब हमने इल्यूमिनेट किया, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन उनकी तरफ मूव करते हैं।